अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब मैं ये बताऊंगा कि यूरिया साइकिल के अंदर कितने एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, उसके बाद आर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, उसके बाद आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस, उसके बाद आर्जिनो सक्सिनेट लाइएस, उसके बाद आर्जिनेस। ये चार एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें कितने जो है वो कहाँ कहाँ एटीपी यूज़ होते हैं। एक वो जहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है तो 2 ADP में चेंज होते हैं। उसके बाद जब आर्जिनो सक्सिनेट बनता है तो वहाँ पे ATP चेंज होता है EMP के अंदर, और कार्बामाइल फॉस्फेट जब आर्निथिन में कन्वर्ट होता है और सिट्रुलिन बनता है तो वहाँ पे फॉस्फेट रिलीज होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।